हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। कुछ टेक्निकल वजह से वीडियो डालने में देर हो गई। ओके, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है थर्माकोल। अभी देखो, हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट जो डेलिकेट चीज़ें लाते हैं ना हम बाजार से, जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो थर्माकोल के पैकिंग में आती है। ओके, अभी हम जब बड़े बड़े फंक्शन में जाते हैं या हमारे घर में कुछ फंक्शन होता है तो थर्माकोल का हम यूज करते हैं, लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए, हमारे बॉडी के लिए कैसे होता है, हार्मफुल होता है? हार्मफुल क्यों होता है, इसमें ऐसा क्या होता है? चलो आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो कैन यू रिकॉल से हम स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? विच मटेरियल इज रैप अराउंड द एटम ऑफ ग्लास और सिमिलर मटेरियल? मतलब जो डेलिकेट मटेरियल होता है ना, उसके आजू बाजू में कौन सा ऐसा मटेरियल होता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम ब्रेकिंग अप? मतलब जो मटेरियल ब्रेक नहीं होने चाहिए, टूटा नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है? जैसे प्लास्टिक बबल रैपर का यूज किया जाता है, पेपर पीस का यूज किया जाता है, कार्डबोर्ड का भी यूज किया जाता है, और इन दिस वे थर्माकोल शीट का भी क्या किया जाता है, इसमें यूज किया जाता है। देखो, मतलब कैसे होता है पैकिंग, जो बाजू की कवरिंग होती है ना, वो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, उसके अंदर थर्माकोल की शीट डाली जाती है, और जो भी हमारा डेलिकेट सामान है, चीजें है, जैसे ग्लास की है या क्रॉकरीज है या फ्रिज वगैरह है, ये ऐसे पैक किया जाता है। ओके, देन इजीली ब्रेकेबल एटम ब्रॉट एट होम इज यूजुअली पैक इन अ बॉक्स। क्यों क्या पैक किया जाता है थर्माकोल बॉक्स में? बिकॉज सो एज टू प्रिवेंट देम दैट एटम फ्रॉम बेकिंग वाई हैंडलिंग। ओके, नाउ डे द प्लेट्स यूज इन मास फिस्ट, मतलब बड़े बड़े जो फंक्शन होते हैं, ओके, वहाँ जो प्लेट्स वगैरह होता है ना, थर्माकोल की जो बनी हुई थे उसका यूज किया जाता है। अभी थर्माकोल क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल जिसका नाम है पॉलीमर। पॉली मतलब नंबर ऑफ। ओके, अभी इस ये है पॉलीमर, जिसका क्या बोला जाता है उसको, पॉलीस्टायरीन, मतलब पॉली मतलब नंबर ऑफ। उसका मोनोमर का नाम है स्टायरीन। किसका? थर्माकोल का जो मोनोमर होता है ना, उसका नाम है स्टायरीन। अब ये पॉली मतलब नंबर ऑफ होने के कारण इसको पॉलीस्टायरीन बोला जाता है। ओके, और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर में, व्हाइट कलर में हमें ये मिलता है। दिस मतलब दिस थर्माकोल ऑन हीटिंग एट मोर देन 100 डिग्री टेम्परेचर, अगर इसको हीट किया जाए तो क्या होता है, इट ट्रांसफर टू लिक्विड फॉर्म, एंड ऑन कूलिंग अब इसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, एंड अगेन इट रिटर्न इनटू सॉलिड स्टेट। अभी अभी इस प्रॉपर्टी की वजह से, ड्यू टू दिस वी कैन गिव एनी डिजायर शेप टू इट, मतलब हम इसके बाउल बना सकते हैं, हम इसके ग्लास बना सकते हैं, हम इसके प्लेट्स बना सकती है, बड़े भी प्लेट्स मतलब थाली जैसी प्लेट भी इसकी क्या हो सकती है, हम बना सकते हैं। बींग अ गुड शॉक एब्सॉर्बर, मतलब क्या, अगर हमने इसके अंदर पैकिंग के लिए हमने अगर थर्माकोल का यूज किया गया, तो ये क्या करता है, अगर उसको जो हमने ग्लास या कुछ हमने डेलिकेट चीजें यहाँ पैकिंग में यूज की, पैक कर ली थर्माकोल के अंदर, तो अगर इसको कुछ भी धक्का लग गया, अब या ये गिर गई, तो ये क्या कर लेता है, वो जो पूरा शॉक है ना, ये एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी हमारे थर्माकोल में होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज इन पैकिंग ऑफ डेलिकेट एटम्स। ओके, अभी इसके एडवर्स मतलब निगेटिव इफेक्ट थर्माकोल के हमारे ऊपर और एनवायरमेंट के ऊपर क्या होते हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट वन इज बीइंग कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट। अरे कार्सिनोजेनिक इन्वायरमेंट मतलब इंग्रेडिएंट मतलब विच कॉज कैंसर। ओके, दैट मीन्स हैविंग द पोटेंशियल टू कॉज द कैंसर। किसकी वजह से? जिसकी, क्योंकि इसके पास क्या है, स्टायरिन नाम का मॉलिक्यूल है। ओके, अभी क्या होता है, द पर्सन इन द कॉन्टैक्ट विथ थर्माकोल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर हम ज्यादा से ज्यादा थर्माकोल के कॉन्टैक्ट में रहे तो मे हैव पॉसिबिलिटी टू ब्लड कैंसर लाइक ल्यूकेमिया है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लड कैंसर, लिम्फोमा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दिस इज अ टाइप ऑफ कैंसर। अभी देखो इसमें क्या होता है, हमारे अगर हमें कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो क्या होता है, हम उस इन्फेक्शन के साथ, उस डिसीज के साथ फाइट करने के लिए कुछ क्या होती है, सेल्स होती है, जिसको लिम्फोसाइट बोला जाता है। अभी इस लिम्फोसाइट का अगर मतलब रेयर केसेस में होता है ऐसे, कि इस जो लिम्फोसाइट है ना, ये एबनॉर्मली क्या होती है,
मल्टीप्लाई होती है, डिवीजन होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. हमें मालूम है ओके, कैंसर में एबनॉर्मली सेल डिवीजन होता है और ऐसा ही लिम्फोमा में होता है. दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब इसका डिग्रेडेशन डिकम्पोजिशन होता ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज कर ही नहीं सकते. दैट मीन्स इस्टे लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर नेचुरल डिकम्पोजिशन ऑफ थर्माकोल एंड दिस वन इज टेक इनफाइनाइट टाइम. ओके, और इनफाइनाइट टाइम लगने के कारण हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉइंग इट बाय बर्निंग. अब हम इसको बर्न कर लेते हैं. अभी इसको कभी भी बर्न नहीं करना चाहिए. क्यों? बिकॉज इट इज अ स्टिल मोर हैजर्डस मेथड, बहुत डेंजर मेथड है, क्योंकि आफ्टर बर्निंग इट रिलीज द पॉइजनस गैस इन द एटमोसफियर और इसी वजह से हमारा एटमोसफियर भी क्या हो सकता है, पोल्यूट हो सकता है, मतलब एयर पोल्यूशन भी हो सकता है. थर्ड वन इज इन मास गैदरिंग प्लेट्स एंड कप. जो प्लेट्स और हम कप यूज करते हैं ना, किस चीज के लिए, फॉर फूड, वाटर, टी, कॉफी, इसके लिए हम क्या करते हैं, थर्माकोल शीट या ग्लास का यूज करते हैं, विच आर मेड अप ऑफ थर्माकोल, है ना, विच ऑल्सो अफेक्ट ऑन द हेल्थ. मतलब उसमें खाना भी हमारे बॉडी के लिए क्या है, डेंजरस है. क्यों? इफ द फूड केप्ट इन द थर्माकोल, हमने क्या किया, फूड हमारा थर्माकोल में रख दिया, इट हीटेड, मतलब गर्म खाना अगर हमने थर्माकोल में रख दिया तो थर्माकोल क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और गर्म होने के कारण जो स्टायरीन नाम का उसमें जो केमिकल होता है ना, में डिजोल्व इन दैट फूड, वो जो फूड में क्या होगा, स्टायरीन डिजोल्व हो जाएगा एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, हमारे हेल्थ के ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, जैसे ब्लड कैंसर होने की चांसेस बन जाते हैं. और इसीलिए थर्माकोल का यूज कभी कभी नहीं करना चाहिए. देखो हमारे घर में कुछ फंक्शन होता है, दिवाली के दिनों में हम जो गणेश जी हमारे घर में आते हैं तब भी हम क्या करते हैं, डेकोरेशन के लिए थर्माकोल का यूज करते हैं, लेकिन नहीं, इसका हमें यूज नहीं करना है क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता. ओके, देन फोर्थ है इफेक्ट ऑन द पर्सन वर्किंग ऑन थर्माकोल फैक्ट्री, मतलब जो थर्माकोल फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उसके ऊपर भी क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है, जैसे पर्सन स्टेइंग इन कॉन्टेक्ट विद द थर्माकोल, अगर वो थर्माकोल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के लिए. ओके, तो क्या होता है, मे डेवलप अ प्रॉब्लम लाइक आई इरिटेशन होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर उनका असर होगा, मतलब उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसके मॉलिक्यूल जा सकते हैं, स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्या होता है, उसका असर होता है. प्रेग्नेंट वुमेन में फेस द मिसकरेज, मतलब उसका जो बच्चा होता है ना, विच गेट डाय बिफोर 20th week ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब वो बच्चे के ऊपर भी क्या होता है, असर इसका होता है. लिक्विड स्टायरीन मे कॉज द आई बर्निंग, मतलब अगर ये हमारे आंखों में चला गया तो हमें इरिटेशन होगा, आएगा बर्निंग जैसा सेंसेशन होगा. ओके, अब ये क्या है, बहुत डेंजर भी है क्योंकि ये 100 degree Celsius पे क्या होता है, थर्माकोल लिक्विड स्टेट में चला जाता है. ओके, देन अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लास. अब ये ग्लास क्या है, देखो दिस वन इज मैनमेड मटेरियल है. ओके, अब ये फॉर्म कैसा होता है, इसमें कौन से कंटेंट होते हैं, कौन से इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है, इसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.